और अब बात करते हैं गया की, जहां मानपुर प्रखंड में दो पदाधिकारियों के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायती राज पदाधिकारी के आपसी टकराव के कारण मानपुर में विगत 8 माह से विकास कार्य से कई पंचायत वांछित हैं। मानपुर प्रखंड के उप प्रमुख ने बताया कि लोगों के आपसी नोक झोंक व कलह के कारण प्रखंड के सारे जनप्रतिनिधि परेशान व चिंतित हैं, और जब प्रमुख एवं उप प्रमुख इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो दोनों पदाधिकारी कार्यालय से मीटिंग के समय किसी विषय पे बहाने बनाते हुए निकल जाते हैं। अगर इस तरह की पदाधिकारियों की रवैया रही तो हम सभी जनप्रतिनिधि प्रखंड परिसर में धरना पर बैठेंगे, और इसके बाद भी अगर विकास कार्य शुरू नहीं होता है तो सारे जनप्रतिनिधि सुशासन बाबू के पंचायती राज्य मंत्री के समक्ष मानपुर सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि पद का त्याग कर देंगे। कोई जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आता है उसके दिमाग और दिल में बहुत तरह का बात रहता है कि हम जीतने के बाद अपने पंचायत का ऐसे करेंगे, प्रखंड का ये करेंगे, लेकिन आज जीते हुए हम लोग को लगभग 8 महीना होने को है, और जीतने के बाद आज तक अपने पंचायत या प्रखंड में एक सुई भर भी हम लोगों ने काम नहीं किया। इसका मुख्य कारण रहा है दो पदाधिकारियों के आपसी कलह। दो पदाधिकारी हमारे यहाँ BPO RO और BDO दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतना नीचा गिर गए हैं कि कोई भी एक स्तर नहीं छोड़े हैं जहां उनको मौका मिले कब उनको नीचा दे। सबसे दुख तो तब होता है कि हम लोग रोज एक ऑफिस स्टाफ की तरह कपड़ा पहन के ऑफिस में आते हैं, आज काम चालू होगा, कल काम चालू होगा, लेकिन यहां कुछ होने को नहीं मिला। शुरू में जब हम लोग जीत के आए तो कुछ दिन तो BPRO के नाम से ठगा गया, हम लोग के BPRO काम करेंगे, इसी बीच में BPRO ट्रेनिंग में चले गए, प्रभार वीडियो साहब ने लिया, आज करेंगे कल करेंगे, इस तरह से करते करते लगभग 2-3 महीना उन्होंने खत्म कर दिया। फिर बीच में BPRO ट्रेनिंग समाप्त करके आ गए। अब जब साहब लोग BDO साहब का काम आया कि BPRO हमारे चैम्बर में आए, मेरे जीउजरी करे तो उनको प्रभार देंगे, हम ब्लॉक के मालिक हैं। BPRO साहब गए भी, आज की घटना है, विगत 2 घंटा पहले की, हम लोग सब बैठे थे, हम लोगों ने BPRO को भेजा भी, BPRO चैम्बर में BDO में गए, तो जैसे ही BDO का पैर उनके चैम्बर के अंदर जाता है, BDO साहब वहां से निकल के चल जाते हैं कि मुझे कहीं जिला में मीटिंग। तो ये देख के हम लोग आज एक तरह से मान के चलिए तो विचलित हो चुके हैं कि हम लोग जनता के लिए क्या करें। हमारे मानपुर ब्लॉक में कोई भी विकास का काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ BPRO BDO एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। BPRO को बुलाया आज चैम्बर में कि आप क्यों नहीं आप ले रहे हैं अपना पोस्ट, अपना काम शुरू होना चाहिए, सारा प्रतिनिधि हम लोग को परेशान किए हुए हैं। तो बोलने के बावजूद हो गए BDO के चैम्बर में, BDO के चैम्बर में जाने के बावजूद BDO ने कहा कि हमारा मीटिंग में हम जा रहे हैं, तो वो क्यों वहाँ से चले गए, तो अब ऐसे कैसे चलेगा। कितना माह से ये काम आपको रुका हुआ है? 7 महीना तो हो गया, 7 माह से हमारा काम रुका हुआ है।